बड़ी तादाद तो ये समझती कि ये सही जगह दे रहे हैं। अरे मदरसे को देना जायज़ नहीं है, वो जानते हैं, इसलिए कि मदरसे का नाम इसमें नहीं है। वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं, देना चाहिए। क्यों फ्री पढ़ते हैं? फ्री इसलिए पढ़ते हैं कि गरीब हैं, गरीब रहेंगे नहीं 8 साल के अंदर। 8 साल में गरीबी ख़त्म हो जाएगी अगर ज़कात सही जगह पहुँच जाए। पैसे देकर पढ़ेंगे, इस सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं कि फ्री पढ़ाएंगे। तो अब ये जो आमिलीन आले हैं ज़कात के करीबी वर्कर्स, काम करने वाले उस सिस्टम के अंदर, ये नहीं जानते देने वाले कि 50-60% इनको जाएगा जो लेकर जा रहे हैं, और उनको जिनके लिए वो समझ कर दे रहे हैं वहाँ भी जायज़ नहीं, उनको 40% या 40-50% जाएगा, 40-50%। ये देने वाले नहीं जानते, जानना चाहिए ना सिस्टम, इसलिए वहाँ नहीं दे। जब मैं ये कहता हूँ हंगामा हो जाता है, चूंकि सब कर रहे हैं, हर मसलक के कर रहे हैं, वो मसलक जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे, लड़े मर रहे हैं, वो भी अपने लिए यही कर रहे हैं। आप अगर किसी इज्तिमाई नज़्म आपकी नज़र में काबिल एतमाद नहीं है, खुद दीजिए ज़रूरतमंदों को, देख करके ये ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद है और कौन नहीं, खुद दीजिए। आपकी ज़िम्मेदारी के ढूंढने बजाय इसके कि आपने उठाया और हाथ में पकड़ा दिया, या अगर आपने ऐसे किसी के हाथ में पकड़ा दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है। ज़रूरी है कि बच्चों को दीनी एजुकेशन दी जाए, लेकिन ये दीनी इदारे बने और लोग बच्चे इज्जत के साथ पैसे देकर पढ़ सके, फीस देकर पढ़ सके वहाँ पर, और असातिज़ा को, टीचर्स को अच्छी सैलरीज मिल सके इज्जत के साथ। ये तब होगा जब गरीब नहीं बचेगा। वो निज़ाम पहले भी 8 साल में ऐसा हुआ था कि गुर्बत ख़त्म हो गई थी, और यही अब भी होगा। 30,000 करोड़ रुपए इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक ज़कात आती है। ये 30,000 करोड़ रुपए अगर ज़रूरतमंदों को डायरेक्ट पहुंचने लग जाएं, 8 साल में कोई गरीब नहीं बचेगा, सब मालदार नहीं हो जाएंगे लेकिन गरीब नहीं बचेंगे। गरीबी और गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन, इस्लाम ने दुनिया के जितने मुल्क हैं उन्होंने जो मुकर्रर की है सबकी अलग अलग है, इस्लाम ने उन सबसे ऊपर रखी। 7.5 तोले सोने के बराबर उसके पास कुछ कैपिटल हो, अगर नहीं है 7.5 तोले सोने के बराबर किसी के पास कोई कैपिटल, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद एसेंशियल जो लाजमी ज़रूरतें, खाना, कपड़ा, रहना, इसके बाद अगर किसी के पास इतना नहीं तो गरीब है, तो फिर ये गरीब नहीं बचेंगे। पहले भी नहीं बचे थे, अब भी नहीं बचेंगे। अगर 30,000 करोड़ रुपए को ऐसे अगर खर्च कर लिया जाए तो कम से कम वो सिस्टम अगर नहीं बन पा रहा, नहीं बनने दिया जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश हुई नहीं बनने दिया जा रहा, इसलिए कि जो लोग ले जाते हैं वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तो अब कम से कम खुद तो उन जगहों पर दें जहाँ आप देखें कि यहाँ इन जगहों पर ये वाकई ज़रूरतमंद है। किसी मिस्किन उसका कुछ रास्ता निकाल दीजिए, किसी का कर्ज अदा कर दीजिए।